हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट के शौकीन तो बहुत लोग हैं। हर आदमी क्रिकेट देखना पसंद करता है, क्रिकेट की कमेंट्री सुनना पसंद करता है और क्रिकेट का हर आदमी को शौक होता है, अलग अलग अंदाज से देखते हैं। क्रिकेट पर जुआ सट्टा भी करोड़ों का लगता है, पर हमारे इस कवि महोदय की क्रिकेट की परिभाषा क्या है ये हम बताएंगे इस क्रिकेट की सुंदर रचना में। आइए देखते हैं हमारे कवि महोदय की सुंदर रचना। जीवन भी एक क्रिकेट है, जीवन भी एक क्रिकेट है, शरीर के स्टेडियम पर धरती के विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है। समय बॉलिंग कर रहा है, धर्मराज अंपायर हैं, बीमारियां फील्डिंग कर रही हैं और यमराज विकेट कीपर हैं और प्राण विकेट है। जन्म लेने के बाद ही पाँच लगो रहे थे, यमराज विकेट कीपर यमराज विकेट कीपर है। कुछ आक्रामक खिलाड़ी जल्दी है पवेलियन लौट नहीं भैया कुछ आक्रामक खिलाड़ी जल्दी ही पवेलियन लौट जाते हैं। गिल्लियां उड़ने का अर्थ है सांसों का टूट जाना, हार्ट अटैक दुर्घटना में मरना रन आउट होना है और सीमा पे मरना कैच आउट कहलाता है। पर इस डे नाइट मैच में जे बंद नहीं होता 24 घंटा, ये इस डे नाइट मैच में हमें रचनात्मक जलवे दिखाना है। गई सांस है वो तो गई, बची भी नहीं संभाले। सांसों के सीमित ओवरों में हमें सृजन के रन बनाना है, पर पारी ऐसी खेलना है कमल कि हमें कीर्तिवान बन जाना है। सबका अपना अपना रन रेट है और जीवन एक क्रिकेट है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पापा जी जेबलर्स बेगमगंज की ओर से। नव वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं गांधी बाजार बेगमगंज अक्षय सराफ की ओर से। नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं हरे रामा फोटो स्टूडियो बेगमगंज की ओर से। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हरे रामा फोटो स्टूडियो बेगमगंज की ओर से। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी के लिए संपर्क करें हरे रामा फोटो स्टूडियो। रायसेन बरेली से हमारे संवाददाता गौरव पटेल की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली सिविल अस्पताल का निरीक्षण प्रायोजित तरीके से नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक देवेन पटेल ने किया। भले ही किसी मरीज की पहुंच जाने से सिविल अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध न हो पाए और डॉक्टर्स ना मिल पाए, लेकिन विधायक के पहुंचने पर पूरा स्टाफ उनके स्वागत के लिए खड़ा दिखा और सिविल अस्पताल में ही स्टाफ द्वारा दाल भापले की पार्टी का विधायक जी की ओर से कार्यकर्ताओं को दिया गया। जब सिविल अस्पताल के प्रभारी CBMO से पूछा गया तो सिविल अस्पताल में जो डॉक्टरों का स्टाफ और सुविधाएं होनी चाहिए वह क्या आपके सिविल अस्पताल में है, तो उनका जवाब था नहीं है, अभी कुछ नहीं है। फिलहाल तो पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ हर एक रोग का अलग अलग विशेषज्ञ का होना जरूरी है जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है, जिसके लिए कई बार हम मांग कर चुके हैं, हमारे आला अधिकारियों से कर चुके हैं। यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, नौ स्टाफ नर्स, ड्रेसर, वाहन चालक, सफाई कर्मी के साथ 100 बेड का आदि कई आवश्यकता है जो अस्पताल में होनी चाहिए वह गिनादी पर कुछ उपलब्ध नहीं है और तमगा लगा दिया सिविल अस्पताल का। यहाँ मरीज आते तो हैं लेकिन पहले की तरह परेशान दिखाई देते हैं, कभी कभी उन्हें भोपाल शिफ्ट किया जाता है तो कभी इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। रायसेन जिले की बरेली सिविल अस्पताल में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र पटेल ने निरीक्षण किया। वैसे तो अस्पताल में स्टाफ निर्धारित रहता था, कई कमियां थी यहाँ पर सिविल अस्पताल में जो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए वह स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास तो बहुत कमी है, सिर्फ डॉक्टर्स अकेले की नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टर की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की बहुत कमी है, सही बात है, और यहाँ आप लोग यहाँ भी बहुत कमी है और निश्चित तौर पर वहाँ मैंने भी ये सुना था कि ताले डले हैं, डले थे, लेकिन अब वो पुराना सिस्टम है। अब मैं उसे देख के पूरा वहाँ भी अब मैं उधर पड़ा तो गया नहीं हूँ, हॉस्पिटल में भी नहीं गया,
लेकिन निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं कमी तो थी। आपने उसको जतारा से हमारे संवाददाता नीरज चौबे की रिपोर्ट। जतारा स्वास्थ्य केंद्र के उप स्वास्थ्य केंद्र में बमोरी आपदा में फैला चेचक का प्रकोप। 6 माह से चल रहा है गांव में प्रकोप, नहीं पहुंच रही है, मिल रही है स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र पर लगा ताला नहीं जाती है। MNS PWD गांव के ही प्रमोद पिता लुटेरे साहू जी बड़ी माता के प्रकोप से करीब 30,000 से अधिक का इलाज में खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी सही नहीं हुए हैं और आज वही जिंदगी और मौत के बीच में झांसी अस्पताल में लड़ रहे हैं। ग्राम बमोरी आपदा में करीब 1 साल से चेचक और बीमारी से पीड़ित लोगों का कहना है कि कई घरों में इनका प्रकोप है। एक घर में 5-5 लोग बीमार हैं, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य टीम अभी तक यहाँ नहीं आई है, ना ही कोई ये माता आपको निकली है तो कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी यहाँ पर आया? नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हाँ। कोई देखने के लिए भी आया? नहीं आया। कोई कर्मचारी? नहीं आया। कोई नर्स? नहीं आया। कोई भी नहीं आया। हाँ। इस बात की मैं पूरी जानकारी लूंगा पहले वहाँ फील्ड में जाके, और जो भी वहाँ पे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको सूचित किया जाएगा, और अगर ऐसी जानकारी पाई जाती है कि लापरवाही बरती जा रही है द्वारा, तो निश्चित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। नहीं तो अभी हाल में 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पापा जी ज्वेलर्स बेगमगंज की ओर से। 9 वर्ष 19 की हार्दिक शुभकामनाएं हरे रामा फोटो स्टूडियो बेगमगंज की ओर से। आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फोटो स्टूडियो पर आए, फोटो खिंचवाएं, वीडियो शूटिंग कराएं। हरे रामा फोटो स्टूडियो बेगमगंज की ओर से आप सभी को 9 वर्ष